गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के सेलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है मैप के थ्रू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? तो ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने 165 मैचों में ये 101 विकेट लिए हैं 165 मैचों में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये यूरोप के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं 100 गोल करने वाले। तो ये कहाँ के हैं ध्यान रखना है, ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ये इनकी कंट्री याद रखना है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा ये तो दूसरे बने हैं, तो पहले नंबर पे हैं अली देई। ये कहाँ के, ईरान के हैं अली देई। इन्होंने 149 मैचों में 109 गोल किए हैं इन्होंने, 109। तो ये पहले पे अली देई ईरान के, दूसरे पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा भारत के सुनील छेत्री, ये कौन से नंबर पे हैं सुनील छेत्री, ये 10वें नंबर पे हैं सुनील छेत्री। उसके अलावा भी सुनील छेत्री ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे एक कंपनी के, JSW सीमेंट के। सुनील छेत्री और सौरव गांगुली दोनों बने थे JSW सीमेंट के। उसके अलावा JSW स्टील, इसके बने थे ऋषभ पंत। तो दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इसमें केरल, ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसी तरह का क्वेश्चन अभी कल भी बताया था जब विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था अभी 8 सितंबर को। तो इसको अकॉर्डिंग NSO यानी नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने साक्षरता पे एक रिपोर्ट जारी की थी, इसके अकॉर्डिंग केरल टॉप पे था साक्षरता में, और इस रिपोर्ट में भी केरल टॉप में है, और उसमें सबसे लास्ट पे था, उसमें उस रिपोर्ट में सबसे लास्ट पे था आंध्र प्रदेश और राजस्थान और बिहार, सबसे नीचे थे केरल दिल्ली उत्तराखंड टॉप पे था। अभी ये स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, तो इसमें कौन है टॉप पे, केरल, दोनों में केरल है टॉप पे, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है त्रिपुरा। तो टॉप थ्री याद रखना है, उसके अलावा सबसे लास्ट में इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो ये इंडेक्स जारी किया है केरल, उसके बाद है गोवा दूसरे पे, त्रिपुरा तीसरे पे। अब ये है क्या, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, और इस रिपोर्ट को जारी किए हैं वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं M.वेंकैया नायडू, इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और ये रिपोर्ट स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है ये रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, 6 साल से कम के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी और ये ज्ञान को मापता है ये इंडेक्स। तो इसमें टॉप पे केरल। अब बात करें केरल की, तो ये रहा मैप में केरल, कैपिटल है केरल की तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनराई विजयन और गवर्नर है यानी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा चीफ जस्टिस है केरल हाई कोर्ट के एस मणिकुमार। उसके अलावा जो केरल का तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट। उसके अलावा और भी क्वेश्चन है केरल से, केरल में पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक पेरियार रिवर भी है पेरियार नदी। उसके अलावा शांत घाटी भी है केरल में, उसके अलावा फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उसके अलावा मालाबार तट केरल का तट हो गया। उसके अलावा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात साक्षरता भी केरल में ही है, और लिंगानुपात है भारत का सर्वाधिक केरल में 1084, यानी लिंगानुपात क्या होता है यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का 877, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाएं हैं। उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल ये केरल में, उसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों नृत्य हैं केरल के। उसके अलावा नारियल, रबर, काजू, इलायची, काली मिर्च जितने भी जो मसाले हैं उनमें टॉप पे हैं केरल। तो इस रिपोर्ट में सिर्फ पे केरल। उसके अलावा
केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी अभी, आर श्री लेखा। उसके अलावा के सेल्जा, अभी ब्रिटिश पत्रिका थी, उसकी टॉप थिंकर में, टॉप 20 थिंकर की लिस्ट में वो टॉप पे रही थी, टॉप थिंकर 2020 में, के सेल्जा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी इनको सम्मानित किया था, केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सेल्जा को। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा तिरंगा पहल भी की थी शुरू केरल ने। उसके अलावा ब्रेक ब्रेक टू चैन काटोन अभियान भी शुरू किया था केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बनाए? तो ये बने डीबीएस बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक बनाए डीबीएस बैंक। अब ये बनाए डीबीएस बैंक, तो डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पीयूष गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच रेटिंग की बात करें तो फिच रेटिंग के अनुसार इसने अनुमान लगाया है 10.5% का, -10.5% का। तो फिच रेटिंग, तो इसने ये अनुमान लगाए हैं 2020-21 में भारत की जीडीपी का। उसके अलावा इंडिया रेटिंग ने लगाया है -11.8%। उसके अलावा अभी ये अमेरिका की है गोल्डमैन सेच्स, इसने -14.8% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा एसबीआई बैंक ने लगाया था -10.9% 2020-21 में जीडीपी। उसके अलावा एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, इसने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया था पहली तिमाही में -23.9% का। यह ध्यान रखना है, एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, इसने भारत की फर्स्ट तिमाही का जीडीपी का अनुमान लगाया था -23.9%। तो ये भी रिसेंटली जो भी अनुमान लगाए हैं वो हैं फिच रेटिंग का -10.5, इंडिया रेटिंग का -11.8, गोल्डमैन सेच्स का है -14.8%, एसबीआई बैंक का -10.9%। तो ये अनुमान है जीडीपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये किए कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदुरप्पा, तो इन्होंने ये भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा ने इसे शुरू किया है कर्नाटका में। तो मैप में देखते हैं। उसके अलावा बात आई है एम्बुलेंस की, तो अभी एम्बुलेंस की बात करें तो अभी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भी बनी थी, तो इनका नाम बताना है, तो उनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। तो ये भारत की पहली महिला ड्राइवर बनी थी एम्बुलेंस ड्राइवर, तो तमिलनाडु की है एम वीर लक्ष्मी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो अब ये कर्नाटक में किए हैं ये सेवा शुरू। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और बेंगलुरु भारत का पहला शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो भी लॉन्च किया है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के बीएस येदुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई बाला। उसके अलावा जो कर्नाटक का जो तटीय प्रदेश है, कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण तट, उसके अलावा गुजरात के तट को बोलते हैं काकरा पार तट, और जो पाकिस्तान के जो सात सर्किल के विवाद हैं ये यहीं पे हैं काकरा पार तट पर 24 डिग्री चैनल पर। उसके अलावा तमिलनाडु का तट है कोरोमंडल तट, और यहाँ से लेके विशाखापट्टनम से लेके उड़ीसा तक जो तट है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। उसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, चारों हैं कर्नाटका में। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना ये कहाँ पे है? कर्नाटका में गरसोप्पा जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोल देते हैं, ये कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पर। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर, कितनी है? 255 मीटर। इसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। उसके अलावा जनसेवक योजना और अप्रवासी लोगों के लिए भी ट्रांजिट होम्स भी बनाने की योजना शुरू की थी अभी कर्नाटका ने। उसके अलावा 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया था कर्नाटक ने। उसके अलावा जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य भी होगा कर्नाटका, और कॉपी के उत्पादन में पहले नंबर पे है भारत में कर्नाटक। उसके अलावा कोलार ये स्वर्ण खनन है, खान है सोने की, कहाँ पे? कर्नाटका में। तो ये याद रखना है कर्नाटक से। उसके अलावा एक एयरपोर्ट है
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसने भी स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी जीता था। नेक्स्ट किसने, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है अभी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसका उद्घाटन किया है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में, भारत उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई। उसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल है इसकी लखनऊ और गोमती नदी के किनारे हैं लखनऊ। उसके अलावा एक जगह है इलाहाबाद, यहाँ पे तीन नदियों का संगम है, यहाँ पे एक है गंगा यमुना और सरस्वती, तो तीन नदियाँ यहाँ आके मिलती हैं और सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की यमुना, और भारत में बहने के अनुसार गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 मीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा वैसे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है 2900 किलोमीटर लंबी, उसके बाद सिंधु नदी है 2880 किलोमीटर लंबी, लेकिन ये भारत में बहुत कम बहती है, भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी है गंगा और इस सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत की यमुना, ये भी ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये अभी मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है क्योंकि लालजी दास टंडन का भी निधन हो गया था इस वजह से। उसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ शहर है ये तालों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और एक फिरोजाबाद शहर है ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। उसके अलावा विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने की घोषणा की थी अभी उत्तर प्रदेश ने, यानी कि जो बिजली चोरी होती है उसके लिए अलग से पुलिस स्टेशन की भी घोषणा की थी स्थापना के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश ने। उसके अलावा वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था। उसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में, एक नेशनल पार्क याद रखना है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उसके अलावा लखीमपुर नेशनल पार्क ये भी है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट किसने, हाल ही में जमैका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में यानी हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है आर मसाकुई को, यही है आर मसाकुई, और इन्हीं को ही अभी जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभी तक ये जिम्बाब्वे में भारत के अम्बेसडर हैं, ध्यान रखना है अम्बेसडर, अब ये उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो बात करें जमैका को देखते हैं मैप में, पहले ये रहा मैप में जमैका, तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हिस्सा जमैका। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी है जमैका डॉलर, और ये इसके प्रेसिडेंट है एंड्रयू होलनेस, कौन है और एंड्रयू होलनेस। उसके अलावा ये हुए हैं उच्चायुक्त। उसके अलावा शंभू एस कुमारन ये अभी तक फिलीपींस में थे, लेकिन अभी इनको माइक्रोनेशिया और पलाऊ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये इटली में भारत के राजदूत बनी है। उसके अलावा राजकुमार श्रीवास्तव ये क्रोएशिया में भारत के राजदूत बने थे, राजकुमार श्रीवास्तव, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा तो ये बने अभी जमैका में भारत के उच्चायुक्त। उसके अलावा बात करें कई जगह पर फिर हाई कमिश्नर अपॉइंटमेंट होते हैं और कई जगह अम्बेसडर अपॉइंटमेंट होते हैं, तो ये किस अनुसार होते हैं, तो जो भी देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, यानी जो देश कॉमनवेल्थ कंट्री है राष्ट्रमंडल देश हैं, तो उनमें उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट होते हैं, जबकि जो देश कभी ना कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं यानी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, उनमें अम्बेसडर अपॉइंटमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये याद रखना है। उसके अलावा हाल ही में भारत का पहला कैनाबिस, यहाँ पे कैनाबिस दवा परियोजना किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भारत का पहला कैनाबिस दवा परियोजना, तो ये अभी जो हमारे जितेंद्र सिंह मंत्री हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री है जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने कहा है कि कनाडा के सहयोग से ये भारत की पहली कैनाबिस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा जो भी ये कैनाबिस है इसका उपयोग कैंसर पीड़ित और मधुमेह पीड़ित रोगियों के लिए दर्द निवारक के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर के जो नए गवर्नर बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे मनोज सिन्हा, तो इनके भी प्रधान सचिव बने थे, प्राइमरी सेक्रेटरी बने थे नीतीश्वर कुमार। उसके अलावा स्पेरो पोर्टल ये भी लॉन्च किया था अभी जम्मू कश्मीर ने। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में केसर के लिए ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन का भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य है, पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर, मेन फेमस है। उसके अलावा
जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, भी नए बने थे। उसके अलावा जो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पहले थे लेकिन अभी भारत के 14 नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। उसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दांचीगांव नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। उसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क भी है, हिम तेंदो के लिए फेमस है, वो लद्दाख में पड़ता है। पहले जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद वो लद्दाख में पड़ता है। उसके अलावा वूलर झील, डल झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, ये सभी उत्तर इसमें है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा सबसे लंबी रोड सुरंग है भारत की, चेनानी नासरी सुरंग, ये जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। उसके अलावा गीता मित्तल है इसकी, पहली महिला चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस आर एफ नरीमन को, यही है जस्टिस आर एफ नरीमन, और इन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके अलावा है उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के सचिव बने थे, लोकसभा में सचिव बने थे उत्पल कुमार सिंह, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा जो ये देर का है हेमंत खत्री, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसके सीएमडी बने थे। उसके अलावा जो ऑप्शन ए पे देर का है विंकेश गुलाटी, ये FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने थे विंकेश गुलाटी। तो ये पीछे की चीज़ों को रिवाइज करना है। उसके अलावा बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो 47वें चीफ जस्टिस है वर्तमान में SA बोबड़े, यानी शरद अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस है अभी 47वें। उसके अलावा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसका विवरण है अनुच्छेद 124 के तहत। तो अनुच्छेद 124 के तहत संविधान के भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा अनुच्छेद 214 के तहत भारत के लिए, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए अलग से उच्च न्यायालय होगा, ये कौन से अनुच्छेद में, 214 अनुच्छेद में, तो ये भी याद रखना है, बात आई है सुप्रीम कोर्ट की इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के कैपिटल जयपुर में, और इसका उद्घाटन किया है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इसका उद्घाटन किया है पत्रिका गेट, और इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू मार्ग के जो पत्रिका समाचार समूह है उसने किया है पत्रिका गेट का, और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा जयपुर का दक्षिणी द्वार भी है पत्रिका गेट, और उसके अलावा बात करें राजस्थान पत्रिका की, तो राजस्थान पत्रिका के संपादक है गुलाब कोटारी। उसके अलावा जो पत्रिका समाचार समूह है उसके अध्यक्ष भी हैं पत्रिका समाचार समूह के गुलाब कोटारी, और राजस्थान पत्रिका के संपादक में गुलाब कोटारी, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा भी राजस्थान गवर्नमेंट ने प्योर फॉर श्योर योजना भी शुरू की थी, एक इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा एक मोदी किचन भी किया था शुरू, तमिलनाडु ने किया था वो। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया था 10 अगस्त को, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो यह था आज की करंट अफेयर का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो ये रख लिया था VI, तो इसका करेक्ट आंसर था V4 वोडाफोन I4 आइडिया। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? इसका आंसर जरूर बताएं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपका भी रिवाइज हो सके। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK की दृष्टि से भी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगाएं, अगर कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।